सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं सरबजीत सिंह अड़कवास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब का हार्दिक स्वागत करदा। समाजिक सिक्ख्या की तैयारी करन दे लई मेरे चैनल दे नाल जरूर जुड़ो। जिन्हां भी साथियों ने हुण तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सो कृपा करके वह मेरे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लियो जी, तां कि नवीं तो नवीं जानकारी तुहानूं मिलदी रहे। इस तों पहलां असीं अपने चैनल पर मास्टर केडर समाजिक सिक्ख्या अते पीएच टेट दे नाल संबंधित बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। आप सब ने वो वीडियोज जरूर वेख लेनी आ तां कि तुहाडा जो सिलेबस है वो चंगी तरह कवर हो सके। अज दी वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे मौर्य काल बारे। मौर्य काल दे नाल संबंधित 100 तो भी वध प्रश्न अज दी वीडियो विच डिस्कस किए जाणगे। आप सब ने इस वीडियो नूं ध्यान दे नाल जरूर वेखना ताकि तुहाडा टॉपिक है जो चंगी तरह क्लीयर हो सके। वीडियो नूं वध तों वध लाइक कमेंट अते शेयर जरूर करना ताकि होरना साथियों तक वीडियो पहुँच सके। सो बिना किसी देरी तो शुरू करते हैं जी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की सी। मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल कितना सी जी? 322 तो 185 ईसा पूर्व। याद रखियो जी ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक केड़े सी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये तीनों प्रसिद्ध हुए नेगे। इस तो अलावा होर भी बहुत सारे इस दे राजे हुए नेगे जिमें कुणाल, दशरथ, देववर्मन, वृद्रथ, परंतु वह प्रसिद्ध नहीं हुए। प्रसिद्ध सिर्फ ये तीनों ही शासक हुए सी। चंद्रगुप्त मौर्य नूं किसने खरीदया सी? चाणक्य ने खरीदया सी 1000 करमातन विच, जो उस समय की करंसी सी। मौर्य साम्राज बारे जानकारी देने वाले स्रोत स्रोत किहड़े जी? इंडिका, जिसका लेखक है मैक्सनीज, अर्थशास्त्र कटोल्या द्वारा लिखा गया ग्रंथ, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखे सी। पुराण किसने लिखे सी जी? पुराण उस समय के महान ग्रंथ हुए ने। बोधियां ते जैनियां दे जो ग्रंथ हुए ने उन्हां तो भी मौर्य साम्राज बारे महत्वपूर्ण जानकारी सानू प्राप्त हुंदी है। चंद्रगुप्त ने पंजाब के अधिकार कदों कीता सी? कदों कीता सी? 323 ईसा पूर्व दे विच। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का नाम की सी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का राजधानी बनाना भी मौर्य साम्राज की एक जो उसका पतन हुआ इस पतन के कारण एक सी, क्योंकि यह उसके राजभाग के मध्य विच स्थित नहीं सी। चंद्रगुप्त मौर्य की दरबारी भाषा पाली। चंद्रगुप्त ने मगध ते जित कदों प्राप्त की? कदों की सी जी? 321 ईसा पूर्व दे विच। उस समय किसका अधिकार सीगा? नंद वंश के शासक धन्ना नंद का। चंद्रगुप्त मौर्य की ताजपोशी कदों हुई सी? 321 ईसा पूर्व दे विच, जदों उन्होंने मगध ते अधिकार किया सी उस वेले उन्हां दी ताजपोशी हुई सी। चंद्रगुप्त मौर्य ते सेल्यूकस निकेटर विचकार युद्ध कदों ते कित्थे होया सी? 305 दे विच होया सी, सिंध नदी के किनारे ते होया सी। सिकंदर की मौत कदों हुई सी? 323 ईसा पूर्व दे विच। चंद्रगुप्त के समय केड़ा यात्री भारत आया? केड़ा यात्री भारत आया सीगा जी? मैक्सनीज, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की सी। मैक्सनीज की रचना इंडिका, उसका कार्यकाल की सीगा? मैक्सनीज कितना समा भारत आया सीगा? यूनानी यात्री सी। 302 ईसा पूर्व तो लैके 298 ईसा पूर्व तक मैक्सनीज भारत में रहा सी। चंद्रगुप्त के समय किस धर्म की वंड हुई सी? जैन धर्म की वंड हुई सी जी उस समय। पुष्पगुप्त ने किहड़ी झील का निर्माण करवाया? बहुत बार पेपरों के विच क्वेश्चन रिपीट हो चुका, पुष्पगुप्त ने किहड़ी झील का निर्माण करवाया सी? सुदर्शन झील का। पुष्पगुप्त ने किसते कैंटे झील का निर्माण करवाया सी? चंद्रगुप्त के कैंटे ही करवाया सीगा। चंद्रगुप्त का जन्म कदों होया सी? 345 ईसा पूर्व के। ताजपोशी कदों हुई सी? 321 ईसा पूर्व के। चाणक्य के होर प्रसिद्ध नाम, चाणक्य को की नाम नाल जाने जाते जी? विष्णुगुप्त, कौटल्या, चाणक्य, तीन प्रसिद्ध नाम हुए ने चाणक्य के। चाणक्य की पत्नी का नाम जसोमती। चाणक्य की चंद्रगुप्त नाल मौत कित्थे हुई?
सॉरी मौत लिखे गया जी, इतने मुलाकात आना गलती हुई सी, इतने इतने की आएगा मुलाकात। चाणक्य दी चंद्रगुप्त नाल मुलाकात कितने हुई सी? पाटलिपुत्र विखे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतले दिनों के विच केड़ा धर्म अपना लिया सी? जैन धर्म। चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में जैनी बनया सी? भद्रबाहू के प्रभाव में जैनी बनया सीगा। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समा कित्थे गुजारिया सी? सरवण वेला दे विच। सरवण वेला कित्थे स्थित है? चंद्रगिरी दीआं पहाड़ियां दे कोल स्थित है सरवण वेला, जो करनाटक दे विच ने। सरवण वेला कित्थे? करनाटक दे विच, चंद्रगिरी दीआं पहाड़ियां कोल। चंद्रगुप्त मौर्य की मौत कदों हुई सी? 298 दे विच। जन्म होया 345 विच। ताजपोशी हुई 321 दे विच ते मौत हुई सी 298 ईसा पूर्व दे विच। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन सी? बिंदुसार। बिंदुसार कौन सी? चंद्रगुप्त का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र नू ही अपना उत्तराधिकारी बनाया सी, बिंदुसार नू। बिंदुसार ने भी अगे अपने पुत्र नू उत्तराधिकारी बनाया सी, अशोक नू। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त नू की नाम दिता? की नाम दिता सीगा जी? सैंड्रोकोक्टस। बिंदुसार का शासन काल किन्ना सी? 298 ईसा पूर्व तो लैके 273 ईसा पूर्व तक का। बिंदुसार दे माता पिता का नाम? माता पिता का, माता का नाम सी दुर्तरा, पिता का नाम सी चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार दे दरबार विच केड़ा यात्री भारत आया? डायनमिक्स। चंद्रगुप्त दे विच आया सीगा। चंद्रगुप्त दे दरबार विच केड़ा यात्री आया सीगा? मैगस्थनीज, जिसने एंडिका नाम की पुस्तक लिखी सी। ते बिंदुसार दे दरबार विच केड़ा यात्री आया सी? डायमैक्स। डायमैक्स किसका राजदूत सी? सीरिया के शासक एंटीओक्स का। बिंदुसार ने तक्षला का शासक किसनों बनाया सीगा? अपने बड़े पुत्र सुसीम नू। अपने बड़े पुत्र सुसीम नू तक्षला का शासक बनाया सीगा। बिंदुसार के समय ही तक्षला दे विच काफ़ी वड्डा विद्रोह होया सीगा, जिसनों उसका वड्डा पुत्र दबाउण दे विच असफल रहा सी। उस तो बाद बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक नू भेजा सीगा उसका उत्थों का विद्रोह दबाउण दे लई। बिंदुसार ने किहड़ा इलाका अशोक नू दिता? उजैन ते मालवा का इलाका अशोक नू दिता सी। तक्षला का इलाका उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुसीम नू दिता सी। उजैन कित्थे स्थित है? कित्थे स्थित है जी? सिपरा नदी के किनारे ते स्थित है उजैन। सिपरा नदी नू होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है? मालवा दी गंगा दे नाल। बिंदुसार ने चाणक्य दी थां किस नू अपना प्रधानमंत्री बनाया सी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री बनाया सी चाणक्य नू, परंतु बिंदुसार ने की बना किस नू बनाया सीगा? राधा गुप्त नू। बिंदुसार ने किहड़ी उपाधि धारण की? अमित्र घातक दी। अमित्र घातक की उपाधि धारण की सी बिंदुसार ने। बिंदुसार किस धर्म नू मानदा सी? बुद्ध धर्म नू। चंद्रगुप्त किस नू मानदा सी? जैन धर्म नू। बिंदुसार किस नू मानदा सी? बुद्ध धर्म नू। बिंदुसार बुद्ध धर्म की किहड़ी शाखा नू मानदा? अजीविका शाखा नू। बिंदुसार की मौत कदों हुई सी? 273 ईसा पूर्व दे विच। अशोक दे पिता का नाम की सी? बिंदुसार। अशोक दे किन्ने भैन भरा सन? अशोक भैन भरा समेत कुल 100 सी। उन्होंने 98 वड्डे भरा ते एक छोटा भरा सीगा, कुल 100 ते एक भैन सी। ये भी कहा जाता है कि जदों अशोक राजगद्दी ते बैठा तो उसने अपने 99 भरावां दा कतल कर दिता सी। अशोक दी माता दा नाम सुभद्रागी जा धम्मा। अशोक का जन्म कदों होया सी? 304 ईसा पूर्व दे विच। 99 भरावां नू कतल करके गद्दी प्राप्त करन वाला शासक अशोक सी। किहड़ा शासक सी जी? अशोक। अशोक दी ताजपोशी कदों होई? 269 ईसा पूर्व दे विच। चंद्रगुप्त मौर्य दी कदों होई सी? 321 दे विच। ते अशोक दी कदों होई सी? 269 ईसा पूर्व दे विच। अशोक दीआं उपाधियां जां प्रसिद्ध नाम
देव प्रियदर्शी, अशोक वर्धन ये प्रसिद्ध नाम ने। नैक्सट करांगे जी, अशोक ने कलिंग नूं कदों जित्या, कदों जित्या सी 261 ईसा पूर्व दे विच। अशोक दे हमले समय कलिंग दा राजा कौन सी? राजा अनंता पद्मनाभन। कौन सी जी? राजा अनंता पद्मनाभन। कलिंग दी राजधानी केड़ी सी? तो साली। वीडियो नूं वध तो वध लाइक ते कमेंट जरूर करियो जी, ताँ कि होरना साथियों तक वीडियो पहुँच सके। जेकर किसी भी साथी नूं इस टॉपिक दी PDF चाहिए होवे तां वीडियो दे नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो जी। इस तो इलावा तुसीं साडे WhatsApp ग्रुप दे विच भी जुड़ सकते हो, जिस दे विच तुहानूं डेली टैसट सीरीज दित्ती जाएगी, जिस दे विच PS टैट अते मास्टर केडर की तैयारी बहुत ही वधिया ढंग दे नाल चल रही है। तुसीं भी उस ग्रुप दे विच जरूर ऐड हो सकते हो। किस युद्ध तो बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया? कलिंग के युद्ध तो बाद अशोक ने बुद्ध दी धर्म की सिक्ख्या किस तो प्राप्त की सी? उपगुप्त तो। अशोक ने केड़ी नीति का त्याग किया? जदों कलिंग का युद्ध होया तो उस समय बहुत खून खराबा होया सी, जिस तो अशोक का मन काफ़ी पिघल गया सी, तो उसने केड़ी नीति का त्याग करता सी? दिग्विजय का। केड़ी नीति ग्रहण किया सी? धर्म विजय नूं। उसने धर्म में महत्ता देनी शुरू करती सी, लोक भलाई के काम करवाने शुरू कर दिते सी, ते उसने युद्ध लड़ाइया झगड़े करने बंद कर दिते सी। अशोक दे अभिलेखों की संख्या कितनी है? कितने अभिलेख ने जी? कुल 141। अशोक दे केड़े अभिलेख विच कलिंग दे युद्ध का वर्णन किया गया? 13वें अभिलेख दे विच। अशोक दे अभिलेखों नूं सब तो पहला कदों ते किसने पढ़िया? 1837 दे विच जेम्स प्रिंसिप ने पढ़िया सीगा जी अशोक दे अभिलेखों। अशोक ने कुल किन्ने स्तूपों का निर्माण करवाया? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया सीगा अशोक ने। अशोक दे सब तो प्रसिद्ध स्तूप केड़े नेगे? सांची ते सारनाथ। मौर्य साम्राज की सर्वोच्च शक्ति केड़ी है? सम्राट खुद ही सारे फैसले करता सीगा, उसके फैसले ही कानून मन्ने जाते सी, इस करके सब तो सर्वोच्च शक्ति केड़ी सी? सम्राट खुद। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार लिए श्रीलंका किसनों भेजिया? कलिंग के युद्ध तो बाद जदों अशोक ने लड़ाई झगड़े करने बंद कर दिते तो उसने बुद्ध धर्म अपना लिया सीगा, तो बुद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता सी, इसलिए उसने बुद्ध धर्म के प्रचार लिए श्रीलंका दे विच संघमित्रा ते महेंद्र सिंह महेंद्र नूं 250 ईसा पूर्व दे विच भेजा सी। अशोक ने किहड़े नवें नगर का नींह पत्थर रख्या? श्रीनगर अते देवपूत नगर। प्रधानमंत्री ते पुरोहित कौन हुंदे सन? प्रधानमंत्री कौन हुंदा सी जी? राजे का सलाहकार हुंदा सी। ते पुरोहित कौन हुंदा सी? जो धार्मिक कम्मां दा मुखी हुंदा सी, धार्मिक कार्य विधियां करवाउणियां पुरोहित ते निर्भर करदियां सी, ते प्रधानमंत्री जो राजे नूं राजभाग दे बारे सलाह दिंदा सी। चंद्रगुप्त दा प्रधानमंत्री चाणक्य सी, ते बिंदुसार दा की सीगा? राधागुप्त। उसने अपना प्रधानमंत्री बदल दिता सी। सेनापति ते समाहर्ता कौन सी? सेनापति हुंदा सी सेना दा मुखी, समाहर्ता हुंदा सी आर्थिक विषयां दा मंत्री, जिन्हों अजकल समाहर्ता हुंदा सीगा आर्थिक विषयां दा मंत्री हुंदा सी जी। नैक्सट करांगे, सनिदाता द्वारिक ते कारमातिक मंत्री केड़े हुंदे सन? सनिदाता हुंदा सी खजाना मंत्री, सनिदाता हुंदा सी खजाना मंत्री, द्वारिक हुंदा सी राजमहल दे कम्मां दा मंत्री, जो राज दरबार दे कम हुंदे सी उह सारे द्वारिक दे अधीन हुंदे सी। कारमातिक हुंदा सी कारखाने दा निरीक्षण करन वाला। अंतपाल आटविक ते प्रदेशता कौन सी? अंतपाल सीगा जो सीमावां हुंदियां सी उन्हां खेत्रां दी देखभाल दी ड्यूटी सी। आटविक सी जंगलां दी देखभाल करन वाला, ते प्रदेशता कौन सीगा? नैतिक मुकदमे हुंदे सी जो उन्हां दे जज सी उन्हां नूं प्रदेशता कहा जांदा सी। मौर्य साम्राज दे होर मंत्रियां दे नाम, पोर किहनूं कहा जांदा सी? नगरां दी शासन प्रणाली दा मंत्री उन्होंने पोर किया जाता सी। दुर्गापाल सी जो राज दे अंदरूनी मामले सी
अंदरूनी मामलों का मंत्री सी, दंडपाल पुलिस विभाग का मंत्री सी, प्रशासता रिकॉर्ड विभाग का मंत्री सी। सो ये जरूर याद कर लेने क्योंकि पेपर के कई बार इदा के प्रश्न आ जाते हैं कि इस मंत्री नूं की कहा जाता सी जां इस विभाग के मंत्री नूं की कहा जाता सी। नैक्सट करांगे जी, मौर्य साम्राज नूं किन्ने भागां विच वंडिया होया सी? कुछ इतिहासकारां अनुसार चार, परंतु कुछ इतिहासकारां दा विचार है कि मौर्य साम्राज पंज भागां दे विच वंडिया होया सी। मौर्य काल विच किहड़े किहड़े कर लए जांदे सी? बहुत सारे कर लगाए जांदे सी मौर्य साम्राज दे समय। वो किहड़े किहड़े सीगे? सीता जो भूमि ते कर लगाया जांदा सीगा, भूमि कर भी कहा जांदा इहनूं। भाग जो भूमि दे उत्पादन ते जो फसल दे उत्पादन दे उपर कर लगाया जांदा सी उस नूं भाग कहा जांदा सी। पर वेचिया हुंदा सी आयातन कर, निस्कारिया हुंदा सी निर्यात कर, बली हुंदा सी जो धार्मिक तौर ते लगाया जांदा, धार्मिक कम्मां कारां धार्मिक समग्री दे उपर जो कर लगाया जांदा सी उहनूं धर्म बली कहा जांदा सी। हिरनिया सीगा नकदी कर, ते बगार नूं की कहा जांदा सीगा बिस्टी कर। नैक्सट करांगे जी, मौर्य साम्राज विच प्रचलित सिक्के किहड़े सन? पंचमार्ट, करसापन, स्वर्ण, माशक, काकनी। ये प्रसिद्ध सिक्के होए ने। जो करसापन सी चांदी दे सिक्के सीगे, स्वर्ण सोने दे सिक्के सीगे, माशक सी जो तांबे दे सीगे, ते काकनी सी जो सिक्के हुंदे तां तांबे दे सी परंतु माशक दे नालों छोटे हुंदे सी। मौर्य साम्राज विच भूमि कर किन्ना लगाया जांदा सी? एक बटा चार, चौथा भाग जो हुंदा सीगा जमीन दा फसल दा वो भूमि कर दे वजों लिया जांदा सी। मौर्य साम्राज विच प्रांत ते मुखी नूं की कहा जांदा सी? आर्या पुत्र। मौर्य साम्राज विच जिले नूं की कहा जांदा सी? आहर। जिले दे मुखी नूं बिस्पति। याद रखियो जी। नैक्सट करांगे, ग्राम दे मुखी नूं की कहा जांदा है? ग्राम दे मुखी नूं की कहा जांदा जी? ग्रामिक। मौर्य काल दे लोकां दा मुख धंदा किहड़ा है? मुख धंदा ज़्यादातर लोग की सीगे मौर्य काल दे विच खेतीबाड़ी दा ही काम कर करदे सीगे। उस तो अलावा बाकी की करदे सी? व्यापार दे नाल जुड़े हुए सी, चीज़ां दा लैण देण व्यापार किया जांदा सीगा, पशु पालन का काम भी हुंदा सीगा। सो ये मुख धंदे सीगे मौर्य काल दे लोकां दे, खेतीबाड़ी व्यापार अते पशु पालन। मौर्य काल विच संजाई जां सिंचाई दा कर किन्ना हुंदा सी? एक बटा पंज तों एक बटा तीन दे विचकार सिंचाई कर लिया जांदा सी। मौर्य काल विच मंत्रियों की तनखा 48,000 पण। नैक्सट करांगे जी, अशोक ने किहड़ी पहाड़ी नूं कटवा के गुफा बनाई? किहड़ी पहाड़ी नूं कटवा के? नागा अर्जुनी पहाड़ी नूं कटवा के उन्होंने गुफा बनाई सी जी। मौर्य वंश दे समकाली किहड़ा वंश सी? सातवाहन वंश। मौर्य काल दे समय भूमि की वंड, भूमि की वंड चार भागां दे विच कीती गई सी। पहली सी कष्ट, कष्ट किहनूं कहा जांदा सी? बाही हुई भूमि नूं जिस दे उपर फसल हुंदी सीगी। अकष्ट हुंदी सी बिना बाही हुई भूमि जिसनूं वाहिया नहीं जांदा सी। स्थुल हुंदी सी उच्ची भूमि जिहनूं टिब्बे भी कहा जांदा। अवेदा मात्रक हुंदी सीगी बिना वर्खा तों चंगी उपज देण वाली भूमि। मौर्य साम्राज दा आखिरी शासक बृहदीरथ, बृहदीरथ सी सब तो संस्थापक सीगा चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखियो जी। उस तो बाद सी बिंदुसार, बिंदुसार तो बाद उसका पुत्र अशोक, अशोक तो बाद कुणाल, दशरथ, देववर्मन ते बृहदीरथ। ये महत्वपूर्ण शासक होए नेगे मौर्य साम्राज के। आखिरी शासक सी बृहदीरथ जिसनों किसने हराया सी? पुष्पमित्र सुंग ने। बृहदीरथ की हत्या किसने की सी? पुष्पमित्र सुंग ने हत्या की सी। उस तो बाद बृहदीरथ की हत्या करके किहड़े वंश की स्थापना की गई? सुंग वंश की स्थापना की गई सी। मौर्य काल दौरान सिक्ख्या का सब तो प्रसिद्ध केंद्र किहड़ा सीगा जी? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तक्षशिला दे विच्चों ही अपनी पढ़ाई पूरी की सी। बिंदुसार दे समय तक्षशिला दे विच काफ़ी वड्डा विद्रोह भी होया सीगा जिसनों उसका वड्डा पुत्र सुसीम दबाउण दे विच असफल रहा सी। फिर की कीता सी बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक नूं भेजा सीगा उत्थे विद्रोह दबाउण नूं जो अपने मकसद दे विच सफल भी होया सी। अर्थशास्त्र दे किन्ने अधिकरण ते प्रकरण हन?
अर्थशास्त्र मैक्सनीज द्वारा लिखा गया महान ग्रंथ है, जिस दे विच 15 अधिकरण ते 180 प्रकरण हन। इस दे विच राजियां बारे, उत्थों दी शासन प्रणाली बारे, लोकां बारे ते राजनीति बारे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दित्ती गई है। अर्थशास्त्र तो ही सानू मौर्य साम्राज्य बारे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਰੁਦਰਵਦਮਨ ਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ? ਸੈਨਾਪਤੀ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ? ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ 5 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸੰਧੀ ਮਿੱਤਰਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜੀ? ਕੁੱਲ 5 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਮ ਸੀ ਅਸੰਧੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਦਮਾਵਤੀ, ਤਿਸਿਆ ਕ੍ਰਿਸਤਾ, ਦੇਵੀ, ਕਾਰੂਬਾਕੀ। 5 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰ, ਤੀਵਰ, ਕੁਨਾਲ, ਜਾਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ, ਸੰਘਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਚਾਰੂਮਤੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 99 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਿਸਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਤਿਸਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਧੰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ। ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਸਦੇ ਨੈਤਿਕ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧਰਮ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਹੋਈ? ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ 3 ਮਹਾਂਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਸੀ? 251 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਮੋਗਲੀਪੁੱਤ ਤਿਸਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ 3 ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਿਕਸ਼ੂ ਮੋਗਲੀਪੁੱਤ ਤਿਸਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪਤਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ। ਜੋ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਰਾਟ ਉਸਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਮਰਾਟ ਯੋਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ੋਕ, ਬਿੰਦੂਸਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਕੁਣਾਲ, ਦਸ਼ਰਥ, ਦੇਵ ਬਰਮਨ, ਬ੍ਰਿਧਰਥ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜੋ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
उसनू संभालना जो उसके शासक से उन्हां दी योग्यता ते निर्भर करता सीगा, परंतु जिहड़े अयोग उत्तराधिकारी से इहनू संभाल नहीं पाए सी, जिस कारण पतन का कारण बनिया। राजधानी का केंद्र च ना होना। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कीड़ी सी जी? पाटलीपुत्र। पाटलीपुत्र केंद्र दे विच नहीं सी, वो एक साइड ते चली गई सी, जिस करके केंद्र विच ना होने करके पूरे खेत्र दे कंट्रोल नहीं हो सकिया। जेकर किते भी कोई विद्रोह हुंदा जां लड़ाई झगड़ा हुंदा तां राजधानी केंद्र च ना होने करके उत्ते कंट्रोल नहीं किया गया सीगा। इस तरह जिवें तक्षला दे विच विद्रोह होया सीगा तां उसते भी विद्रोह के उपर जिहड़ा काबू नहीं पाया जा सकिया सीगा। राजधानी का केंद्र दे विच ना होना भी उसके पतन का एक कारण मन्निया जांदा। राजसी परिवार च सासां ते झगड़े, पहला भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि अशोक अपने 99 भरावां दा कतल करके राजगद्दी ते बैठा सीगा। इस तरह राजसी परिवार से जो उन्हां दे विच आपस दे विच लड़ाई झगड़े होंदे रहिंदे सीगे, एक दूजे दे विरुद्ध साजिशां हुंदियां रहिंदियां सीगियां, एक दूजे नूं मारन कतल करन जां रस्ते तों हटाउण दे जो योजनावां हुंदी रहिंदी सी। इन्हां योजनावां नाल की होया, जो राजसी परिवार सीगे सम्राट वो कमज़ोर होने शुरू हो गए सीगे। सब तो वड्डा कारण की सी? आर्थिक दुर्दशा। उस समय की होया, जदों अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया सी तां उसने लड़ाई झगड़े करने दा युद्ध करने शुरू खत्म करते सी, उसने लोक भलाई के काम शुरू करते सी, परंतु की होया पैसे का कोई साधन नहीं सीगा। उसने अपने स्तंभ अपने अभिलेख शिलालेख ते होर बहुत सारे कामों ते बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिता सी, जिस करके उत जो रा सीगा खजाना सीगा खजाना हौली हौली खाली होना शुरू हो गया। लोगों दी जो लोड़ां जरूरतां ने वो पूरियां ना होईयां ते आर्थिक दुर्दशा फैल गई सी, क्योंकि खजाना खाली होने करके लोग सम्राट जो मौर्य सम्राज के शासक सी उन्हां तों असंतुष्ट हो गए सी। अशोक की शांति की नीति। कलिंग के युद्ध तो बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया सी, उसने दिग्विजय की नीति त्याग कर दिती सी ते धर्म विजय की नीति अपना ली सी, तां उसने युद्ध करने बंद कर दिए सी, जिस करके बहुत सारे जगह पर बगावतां उठियां, विदेशी हमले भी होने शुरू हो गए सीगे ते अशोक उन्हां नूं दबा ना सकिया। दूजा इहदा कारण की होया कि जदों उसने धर्म विजय की नीति अपना ली, अपनी सेना की गिनती घटा दिती सीगी, तां कि जो सेना सीगी उह कमज़ोर हो गई, जां लोग भी सीगे उह कमज़ोर हो गए से, उह लड़ाई जां युद्ध करन तों दी कला तों कमज़ोर हो गए सीगे, इस करके उह हमलियां दा ते विद्रोहां दा सामना नहीं कर सके। अशोक दे कमज़ोर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार ते अशोक, यह तीनों प्रसिद्ध सीगे ते काफ़ी ताकतवर भी सी, परंतु जो अशोक दे उत्तराधिकारी होए सी कुणाल, दशरथ, देववर्मन ते वृद्रथ, ये बहुत ही कमज़ोर सिद्ध होए सी, ये अपने जो राजभाग सीगा उहनू संभालण दे विच योग नहीं होए, इस करके वृद्रथ नूं हरा दिता सी, उहदा कतल कर दिता सीगा पुष्यमित्र सुंग ने, ते उस तों बाद सुंग वंश की स्थापना की गई सी। विदेशी हमले, बहुत सारे विदेशी हमले होए सीगे ते जिन्हां दा मौर्य साम्राज्य उत्तराधिकारी सामना नहीं कर सके। अंदरूनी विद्रोह, बहुत सारे उन्हां दे अंदरूनी विद्रोह भी जो शुरू हो गए सी, जिस तरह अशोक ने अपने भरावां दा कतल किया, इस तरह उन्हां दे उत्तराधिकारियों के भी राजगद्दी नूं लैके आपस दे विच लड़ाई झगड़े विद्रोह चलते रहे। इन्हां सारे कारण करके की होया, मौर्य साम्राज्य जो हौली हौली अपने पतन के राह वल तुर पिया सीगा। स्टार्टिंग दे विच जो मौर्य साम्राज्य बहुत चढ़दी कला दे विच सीगा, बाद दे विच हौली हौली अजिहे बहुत सारे कारण होए जिन्हां कारणां दे करके मौर्य साम्राज्य अपने पतन दे वल आ गया सीगा। ते 185 ईसा पूर्व दे विच पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य साम्राज्य दे आखिरी शासक वृद्रथ नूं हरा दिता सीगा ते सुंग वंश की स्थापना की सी। सो ये मौर्य साम्राज्य के नाल महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। मैनू उम्मीद है कि तुहाडा जो टॉपिक आ ये पूरा चंगी तरह क्लीयर हो गया होगा। तो वीडियो नू वध तो वध लाइक ते कमेंट जरूर करना सी, ते वीडियो नू शेयर जरूर करियो तां कि होरना साथियों तक ये वीडियो पहुँच सके। इस तरह के वीडियो असीं हर रोज़ तुहाडे नाल सांझियां करते रहांगे। सो कल नू जो आपां टॉपिक करांगे वह करांगे लोक सभा, आप सब ने जरूर वेखना जी, कल का टॉपिक होवेगा लोक सभा। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी।